नमस्कार, देवदानी ब्लॉग्स के रेसिपी वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल कस्टर्ड। तो आइए देखते हैं कस्टर्ड को बनाने में हम लोगों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ हमने ले लिया है 1 से 2 चम्मच घी, और ये सेवइयाँ हैं, और ये कस्टर्ड पाउडर है 2 चम्मच, ये हमने दूध ले लिया है, और ये थोड़ी सी चीनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं होली स्पेशल कस्टर्ड बनाने की विधि। हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को हमने गैस पे रखा है, गैस ऑन कर दिया। कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी, और इसमें हम अपनी सेवइयों को फ्राई कर लेंगे। घी मेल्ट होते ही इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे और इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। तेज फ्लेम में अगर हम फ्राई करते हैं तो ये जल्दी गोल्डन हो जाएगी और ये अच्छे से सिकेगी नहीं। देखिए हमारी सेवइयाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें हमने दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड कर दिया है, और हम सेवइयों को अच्छे से पकने देंगे। इसे हमें 70% तक कुक कर लेना है। इसमें हमें लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, सेवइयाँ पक जाएगी, उसके बाद हम आगे कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध हमने डाला है और थोड़ा सा दूध हमने रखा है, जिसमें हम थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर घोलेंगे और बाकी हम इसे पक जाने के बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करने के लिए, क्योंकि ये सेवइयाँ जब बन जाएगी ना तो हल्का ये थिक हो जाएगी। इसका थोड़ा हल्का पतला करने के लिए, कंसिस्टेंसी को थोड़ी पतली रखने के लिए इसमें हमें दूध और ऐड करना होगा। अभी हमने इसमें थोड़ा सा ही दूध लिया है। देखिए सेवइयाँ हमारी 70% तक पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा खाना आपको पसंद हो। हम यहाँ 2 बड़े चम्मच ऐड कर लिए हैं, और अब हम इसमें दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को पतला कर देंगे, ताकि इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिला सकें। अब हम कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार कर लेंगे, जिसे हमें दूध डालकर तैयार करना है। इसका हमें सेमी थिक घोल तैयार करना है, लम्स फ्री। ये हम इसे अच्छे से मिलाकर घोल तैयार करेंगे। ये हमारा घोल तैयार हो गया, और तब तक मेरे दूध में भी उबाल आ चुका है जो हमने बाद में डाला था, और अब हम इसे सेवइयों में डालेंगे। ये हमारा लम्स फ्री बनकर तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे। हमें इसे एक हाथ से डालना है कस्टर्ड पाउडर के घोल को, और एक हाथ से इसे हल्के हल्के मिलाते जाना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसे घोल को तैयार करना है जल्दी से और चलाना है, और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर के घोल को मिलाएं, एक ही साथ ना डालें, नहीं तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगी,
और इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इसे मिलाकर गैस को ऑफ कर देना है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं और इसे आप कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी में आप तैयार कर सकते हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए ये कस्टर्ड हमारी रूम टेम्परेचर में आ चुकी है। अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के लिए जा रहे हैं। जल्दी ठंडा होने के लिए हम इसे डीप फ्रिज में रख रहे हैं। ये हमारा ठंडा हो चुका है कस्टर्ड। हमने इसे डीप फ्रिज में रखा था इसलिए 1/2 घंटे में ही ठंडा हो गया। ऐसे नॉर्मल में रखिएगा तो इसे 1 घंटा कम से कम लगेंगे ठंडा होने के लिए। आप इसे ज़्यादा देर तक भी ठंडा कर सकते हैं। आइए अब हम इसे तैयार करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से ठंडा होके हो गया है। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से अनार। और ये हमने कुछ अंगूर लिए हैं जिसे हमने 2 पीस या 3 पीस में कटिंग कर लिया है। आपका अंगूर का साइज जितना हो उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। थोड़ा सा अंगूर डालेंगे इसमें। और ये हमने केला लिया है जिसे हम 4 पीस करके कटिंग कर चुके हैं। ये भी हम थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे। और ये हमने सेब लिया है जिसे हमने छोटे पीसों में काट लिया है। ये भी हम थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे। और ये हमने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। काजू को हमने छोटे पीस में काट लिया है। बादाम को हमने स्लाइस में काट लिया है। और ये है पिस्ता, इसे भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये सब भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाएंगे। ये होली स्पेशल है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना और भी अच्छा लगेगा खाने में। और इसे हम मिला लेंगे। और इसे हमने ऐसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करके दिखाएंगे कि ये देखने में कितना टेस्टी लगता है। जितना ही देखने में टेस्टी लगता है उसे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। और इसका मज़ा और दोगुना तब हो जाता है जब इसे हम ठंडा कर देते हैं। इसे हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये हम इसे सर्विंग बाउल में इसे निकाल लेंगे। ये खाने में बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और आइसक्रीम का फ्लेवर देगा क्योंकि इसमें हमने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर डाला है। और इसे हम ऐसे गार्निश कर लेंगे कुछ अनार के दाने। और थोड़ी सी कटी हुई काजू, बादाम और पिस्ते से। लग रहा है ना टेस्टी देखने में। ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रूट कस्टर्ड। ये मेरा तैयार हो गया फ्रूट कस्टर्ड विद सेवैयाँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आइए इसकी रेसिपी को हम आपके सामने शेयर किए हैं, तो देखिए बनाइए और इस होली में आप एंजॉय कीजिए इस कस्टर्ड की रेसिपी को। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये रेसिपी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, आपके सामने शेयर करते रहेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।